हेलो एवरीवन, बेनिफिट ऑफ नेचर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा पवार, मैं आज आपके लिए एक बहुत अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ। मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि हमारी आईब्रो बहुत ज़्यादा वाइट हो गई हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए जो वो ब्लैक हो जाए। तो सबसे पहले मैं उन्हें बता देती हूँ आईब्रो वाइट होने के कारण क्या होते हैं। या तो आप बाजार वाला केमिकल यूज़ कर रहे हैं या फिर आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है। दूसरा और तीसरा कारण क्या हो सकता है कि कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे हार्मोन चेंज हो जाते हैं, उसकी वजह से भी हमारे आईब्रो चेंज बहुत ज़्यादा वाइट हो जाती हैं। इसलिए तो बहुत ही कॉमन चीज है ये, बहुत ही कॉमन परेशानी है लोगों की कि आईब्रो बहुत ज़्यादा वाइट हो गई, क्योंकि आजकल कम उम्र में जैसे बाल वाइट हो जाते हैं ऐसे आईब्रो भी सफ़ेद हो जाती है। तो मैं आपको उसे नेचुरल तरीके से काला करने का एक तरीका बताऊंगी, उसे आपको कैसे नेचुरल तरीके से काला करना है आईब्रो को, और उसके लिए मुझे क्या चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए नॉर्मल जो सिर्फ जो आंवला पाउडर होता है, मैं वो आंवला पाउडर लूंगी, उसी से मैं आपको आईब्रो को ब्लैक करने का तरीका बताऊंगी। बस उसे आपको अपने रूटीन में लाना है, जैसे आप और खाना खाते हैं या फिर और जरूरी काम करते हैं, ऐसे ही आपको उस चीज़ को रूटीन में लाना है, और आईब्रो आपकी जो आईब्रो है वो परमानेंट ब्लैक हो जाएगी। जिन लोगों की ग्रोथ बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, उनकी तो ब्लैक हो जाएगी, और जिन लोगों की बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कम है उनके लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है, उनकी ग्रोथ और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और ब्लैक हो जाएगी आईब्रो इसलिए। और जिनके व्हाइट है उनके लिए तो खैर मोस्ट बहुत ही अच्छी, बहुत ही इफेक्टिव रेसिपी है। उसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम ये आंवला लेंगे। इसको मैंने ये पिसा हुआ आंवला लिया है, नॉर्मल जो प्लेन आंवला होता है सिंपल वाला, कोई भुना हुआ है कुछ नहीं लेना, सिंपल आंवला पाउडर लेना है आपको। अब इसे बनाना कैसे है वो शुरू करते हैं हम बनाना। अभी देखिए मैंने आयरन की कढ़ाई को गर्म कर लिया है, उसमें मैं ये एक चम्मच आंवला जो पाउडर है वो डालूंगी, और इसे हम थोड़ा भून लेंगे जिससे कि ये ब्लैक हो जाए। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा बना के बता रही हूँ, आप इसे ज़्यादा महीने भर का भी बना के रख सकते हैं, क्योंकि ये खराब होने वाला नहीं है। बिल्कुल गैस को कम करना है और इसे बिल्कुल ब्लैक करके हमें भून लेना है, एकदम काला कर लेंगे हम इसे। ये देखिए पूरा ये ब्लैक होना शुरू हो गया है। अब जैसे जैसे ये ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, ऐसे ऐसे ही जो हमें चाहिए जिस तरीके का उस तरीके का तैयार हो जाएगा ये। अभी देखिए बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, ये लगभग मैंने एक चम्मच आंवला पाउडर लिया है, उसमें मैंने तीन चम्मच के करीब मैंने ये पानी डाला है, और इसे हम बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। अभी ये देखिए 2 से 3 मिनट पकाने के बाद ये पेस्ट बिल्कुल तैयार हो गया है, और अब हम इसे ठंडा करेंगे जिससे कि मैं इसे आपको यूज़ करने का तरीका बता सकूं। अब हम इसे ठंडा करना है लगभग इसे 5 मिनट के लिए ठंडा। अभी ये देखिए बिल्कुल ठंडा हो चुका है, और अब हम इसे यूज़ कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं इसे एक साफ बॉल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ जिससे कि मैं आपको उसका यूज़ बता सकूँ। ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा पेस्ट बन चुका है ये एकदम। अब हमें इसे यूज़ कैसे करना है और इसका इफेक्ट कैसा होगा मैं आपको बता देती हूँ उसके बारे में भी। ये देखिए ये पेस्ट बहुत ही गाढ़ा और बहुत ही अच्छा बना है, ये आईब्रो के लिए बहुत ही असरदार रेमेडी और बहुत ही इजी, और 100% इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आपको करना क्या है, जब भी आप घर में होते हैं या फ्री होते हैं, आपको सिर्फ इसे क्या करना है, ब्रश की सहायता से आपको इसे अपनी आईब्रो पर लगाना है। उसके बाद आप इसे कम से कम 5 से 10 मिनट तक सूखने दीजिएगा। जब ये अच्छे से सूख जाएगा तो आप सिर्फ अपने आईब्रो को वॉश कर लीजिएगा या गीले कपड़े से साफ कर लीजिएगा, और रात को तो इसे जरूर अप्लाई करना है। आप इसे रोज इसे रोज रात को लगा के सोइएगा, कितनी भी आपकी व्हाइट आईब्रो है ना वो 100% आपकी 7 दिन में काली हो जाएगी और बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी, क्योंकि ये रेसिपी ही ऐसी है, इतनी अच्छी और इतनी असरदार रेसिपी है। आप इसे 7 दिन तक यूज करेंगे ना, आपकी कितनी भी व्हाइट आईब्रो है ना वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी। बहुत ही असरदार, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आप इसे बनाइएगा, यूज़ कीजिएगा, कैसी लगी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और एवरीवन, ये सब उम्र के लिए बहुत अच्छी है, जैसे कम उम्र में किसी के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, आईब्रो के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा एज वाले हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है, जो नॉर्मल एज के हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छी रेसिपी है, और सबके लिए बहुत अच्छी रेसिपी। आप इसे बनाइएगा, यूज़ कीजिएगा, कैसी लगी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और एवरीवन लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।